सलाम मेरा मेरा नाम मोहम्मद रफूर, आप लोग देख रहे हैं रफीडर। सो आज को मैं वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को सिखाऊँ किस तरह से जो है आप लोग डाउनलोडेबल प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो मोस्टली क्या होता है कि आप लोग किसी ऑथर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या आप लोग कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके ऊपर आप कोई इमेजेस सेल कर रहे हैं, कोई पीडीएफ फाइल्स वगैरह, ठीक है, या कोई जिप फाइल्स वगैरह, तो आप लोग जो है वो अपने उस प्रोडक्ट को डाउनलोडेबल कैसे बना सकते हैं ताकि जब कोई परचेज करे तो उसके बाद वो कन्फर्मेशन ईमेल जानी चाहिए, तो उसके अंदर डाउनलोड का बटन लगा हो, या फिर जब कोई भी बंदा आप लोगों की वेबसाइट से आकर किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के क्लाइंट के अकाउंट के अंदर किस तरह से ऐड होगा, ठीक है ना। फिर डाउनलोड बटन। सो गाइस वक्त ज़्यादा नहीं करते, चले हम लोग जो डायरेक्टली अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त जो है हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, ठीक है। इस वक्त जो है मैंने अपनी एक पर्सनल वेबसाइट ओपन कर रखी है जिसके ऊपर जो है हमने एलिमेंटर और एचडी के जो है टेम्पलेट्स बनाकर सेल करने हैं। सो यानी कि ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं डाउनलोडेबल हैं। अब हमने इन प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड किया, अभी जो इस पर मज़ीद काम चल रहा है, इन कम्प्लीट नहीं है अभी, प्राइस वगैरह डमी लगा रखे हैं, जो नीचे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। और मुझे जो ईमेल आएगी मैं आप लोगों को वो ईमेल भी दिखाऊंगा कि ईमेल के अंदर मेरे पर डाउनलोडेबल बटन है और मेरा जो अकाउंट है उसके अंदर भी, ठीक है। देन जो मैं आप लोगों को फिर बताऊँगा कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं। तो मैं जो यहाँ से स्क्रोल डाउन करता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है जो हमने टेस्टिंग के लिए जो है डिस्काउंट पर लगा रखा है। तो मैं जो यहाँ पर इस शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ एंड इस वक्त जो ये मैं आ चुका हूँ हमारे प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारा टाइटल वगैरह है, डेमो प्रव्यू बटन, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। नीचे दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सो अब जो है मैं सबसे पहले से ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से मैं चल जाऊँगा व्यू कार्ट में, इसके बाद जो है प्रोसीड टू चेकआउट। ये मैं चेकआउट में आ गया हूँ। इस जगह पर जो है ये मेरी ऑलरेडी तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर है, क्योंकि मैं जो है काफ़ी देर से इसके ऊपर टेस्ट कर रहा था वेबसाइट पर। जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं ज़ाहिर बात है हमें टेस्ट उन पर करना पड़ता है। सो ये मेरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर जो है आप लोग चेकआउट पेज को देखेंगे, मैं अपना फ़ोन नंबर जो है वो रिमूव कर दूँ। सो अब जो अगर आप हमारे चेकआउट पेज को देखें, बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। जस्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, बाकी तमाम चीज़ें मैंने जो है यहाँ से रिमूव कर दी। अगर आप लोगों ने जानना कि आप लोग इन जो एक्स्ट्रा फील्ड ना रिमूव किस तरह कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूंगा। सो नाउ अब जो है मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, और मैंने अभी तक कैश ऑन डिलीवरी ही ऐड कर रखा है क्योंकि अभी तक कोई पेमेंट गेटवे हमने ऐड नहीं किया। सो मेरा जो ऑर्डर था वो प्लेस हो गया। मैं यहाँ से मैं करता हूँ स्क्रॉल डाउन, ये चेक करें डाउनलोड्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो आ गया, और डाउनलोड रिमेनिंग यानी कि अनलिमिटेड टाइम जो है हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक्सपायर होगा नवंबर 26 को, ठीक है, यानी कि 6 माह के बाद, और ये डाउनलोड का बटन आ गया, ठीक हो गया। अब मैं जो है यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे बिलिंग डिटेल वगैरह मेरी ही आ जाएगी। नाउ अब मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने बटन पर क्लिक किया और ये मेरा प्रोडक्ट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़, अब जाते हैं हम लोग मेरे अकाउंट में, ठीक है। मैंने माय अकाउंट पर होवर करके डाउनलोड्स पर क्लिक कर दिया। सो ये जो है प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल अभी परचेज़ किया, ये भी आज ही परचेज़ किए हैं, क्लाइंट को दिखा रहा था वेबसाइट तो उसी टेस्टिंग के दौरान। तो ये जो है प्रोडक्ट अभी मैंने परचेज़ किया, इसके आगे भी देखें डाउनलोड बटन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप लोग, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। सो अब जो है मैं आप लोगों को अपनी ईमेल दिखा देता हूँ। सो मैंने जो है अपनी ईमेल यहाँ पर ओपन कर ली है। ये टॉप पर आप लोग दो ईमेल देख सकते हैं, बिल्कुल अभी आए हैं मेरे पास। इस वक्त टाइम जो है रात के 12:16 हो रहे हैं। ये जो पहली ईमेल आई है, ठीक है ना, वो ईमेल जो वो डिस्प्ले करवा रही है कि मेरा ऑर्डर जो है रिसीव हो चुका है, और दूसरा जो है ईमेल वो इस चीज़ को डिस्प्ले करवा रहा है कि मेरा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुआ है, आप लोगों को मैं इसका भी बताऊंगा। सिर्फ जो है प्रोडक्ट ऐड कर देने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को ऑटो कंप्लीशन के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को लगाना है, अदरवाइज वो पेंडिंग पर जाते रहेंगे और आपके क्लाइंट्स को कुछ भी रिसीव नहीं होने वाला। तो पहला ईमेल ओपन करते हैं, इसके अंदर तो जस्ट वही थैंक यू मैसेज और नीचे अगर बिलिंग डिटेल वगैरह आ जाएगी। बैक करते हैं इस ईमेल में अपने जाते हैं, यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें डाउनलोड, प्रोडक्ट का नेम, उसका टाइटल वगैरह जो था, एक्सपायरी डेट और डाउनलोड, ओके हो गया। यहाँ से भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तब भी आप लोग देखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया।
यानी कि क्लाइंट को हमने ऑटोमेटिकली इतने सारे ऑप्शन दे दिए डाउनलोड करने के प्रोडक्ट कि उसे किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं ईमेल को क्लोज करता नाउ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोडक्ट आप लोगों ने ऐड किस तरह से करना है। मैं जो है अपने प्रोडक्ट में वापस जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को इसी प्रोडक्ट को जिस तरह मैंने ऐड किया मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, आप लोगों को उससे ज़्यादा बेस्ट आइडिया हो जाएगा। तो मैं एडिट प्रोडक्ट में आ गया हूँ, प्रोडक्ट के टाइटल वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे आ जाए ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं डाउनलोडेबल। ओके, इसे आप लोगों ने अनचेक होगा, आप लोगों ने इसे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करेंगे तो ये वाली जो फील्ड है ना, जो रेड होगा, ये रेड मैंने जो निशान लगा दिया, इस फील्ड, ये जो फील्ड है आप लोग को डिस्प्ले होगी। नेम में आप लोग डाउनलोड ना हो, डाउनलोड या कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद फाइल यूआरएल, जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड के लिए लगानी है तो आप लोगों का प्रोडक्ट है उसका लिंक यहाँ पर लगाना है। और फाइल जो है आप लोगों ने अपलोड कहाँ करनी है, सिंपली किधर है हमारा भाई ऑप्शन, मीडिया, ये रहा मीडिया, ठीक है ना। मीडिया में जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, और जो आप लोगों की फाइल होगी ना उसे आप लोगों ने इस जगह पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसका जो यूआरएल है इसे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है उसे इस जगह पर आकर पेस्ट कर देना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है चूज़ फाइल पर क्लिक करें, मीडिया लाइब्रेरी से जाकर अपनी उस फाइल को जो है सिंपली सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। और डाउनलोड कितनी बार आपका यूज़र कर सके आप लोग उसे भी जो है यहाँ से लिमिटेड कर सकते हैं। अगर लिमिटेड नहीं करेंगे तो वो अनलिमिटेड रहेगा। डाउनलोड एक्सपायरी भी जो है यहाँ पर मैंने 180 डेज लिखा है, अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ तो नेवर, लाइफ टाइम के लिए जो उसके बाद ऑप्शन होगा कि आप लोगों का जो क्लाइंट है वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो नीचे मैंने लिंक वगैरह लगाए हुए, बटन बनाए हुए CSS से। सो ये होल प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि अगर आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑटो कम्प्लीशन पर ना लगाया ना, तो जब भी कोई आप लोगों का क्लाइंट जो है आकर ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप लोगों को मैनुअली जो है यहाँ से जाना होगा WooCommerce में, WooCommerce से ऑर्डर्स में जाना होगा। ऑर्डर्स में जाकर जो है आप लोगों को अपने उस ऑर्डर को, या तो वो प्रोसीड में होगा या ऑन होल्ड होगा, आप लोगों को यहाँ से आके जो है मैनुअली प्रोडक्ट की सेटिंग में जाकर उसे जो है वहाँ से कंप्लीट करना होगा, देन आप लोगों का क्लाइंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डाउनलोड नहीं कर सकता। सो मैं आप लोगों को इजी तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। मैं आप लोगों को प्लगइन बता देता हूँ, तो सिंपली उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दें और आप लोगों के जो प्रोडक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है कंप्लीटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आप लोगों का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड होगा सो आप लोगों का क्लाइंट जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स, या मैं ऐसा कहूँगा विद इन नैनो सेकेंड्स, आप लोगों का क्लाइंट जो है अपने प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करने के काबिल होगा। सो ये है हमारा प्लगइन ऑर्डर ऑटो कंप्लीट फॉर WooCommerce, सिंपली बस इसे डाउनलोड करके एक्टिवेट कर दें, ठीक हो गया। तो ये सारा होल प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर ऐसा है तो अपनी फीडबैक जो है आप लोगों ने लाजमी से कमेंट बॉक्स में देनी है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।